बिल्कुल 100% झूठ है। मुझे एक दो मेले और भी आई हैं, बड़ा आज मैं सिर्फ इसी पे बात। भाई वो ये यूरोप है, कुछ छांगा वांगा नहीं, यहाँ आप जिसकी एंट्री दे रहे हैं किसी को, जापान भेज रहे हैं दुनिया को, अमेरिका कनाडा तक भेज रहे हैं दुनिया को, माल्टा भेज रहे हैं दुनिया को, यूरोप आपने कोई मुल्क नहीं छोड़ा, क्यों झूठ बोल रहे हैं? कोई मिर्जा शकील के नाम पे यूट्यूब से बनाया हुआ है, तो मैंने इसका चैनल देखा तो ये कह रहा था, इसमें इसने कहा था कि जर्मन के वर्क परमिट के वीज़े खुले हुए हैं, आप अप्लाई करें तो आपको मिल जाएगा और आराम से जर्मनी आके आप अपनी ज़िंदगी अच्छी कर सकते हैं। तो भाई मैंने फिर ऐसा किया कि मैंने इसका एक दो दफ़ा यूट्यूब देखा, मुझे अच्छा लगा, इसने एक इंफॉर्मेशन दी, लिहाजा मैंने अपने जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स थे जो जो उसने कहा था वो मैंने सब बना के अपना पासपोर्ट भी बनाया, पैसे भी खर्च किए, हर डॉक्यूमेंट में पैसे तो लगते हैं, उसके बाद फिर मैं वहाँ जाने के भी मेरे अखराजात हुए। तो जब मैं वहाँ जाके पहुँचा तो इस बारे में कुछ हकीकत थी नहीं, तो लिहाजा मेरे सब नाज़रीन से ये दरख्वास्त है, ये जो मिर्ज़ा शकील है ये गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है यूट्यूब के ऊपर सिर्फ अपने पैसे बनाने के लिए, तो मेहरबानी करके ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, और ऐसे लोग जो इस तरह की इन्फॉर्मेशन देने की वहाँ का वीज़ा फ्री है, यहाँ का चले जाए वहाँ चले जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है, पाकिस्तानी कोई साहब बताओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहु, मैं हूं इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी टीवी यूरोप। मेरे प्यारे दोस्तों, यूट्यूब पर किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन देना, कुछ बताना, कुछ सिखाना, ये बहुत अच्छा काम है, बल्कि ये स्वाब का काम है। लेकिन अगर आप किसी कोई खबर को गलत करके बताते हैं किसी को, या गलत सिखाते हैं कोई भी चीज़ आपको, तो आपको तो कुछ नहीं जाएगा, आपको चंद व्यू मिल जाएंगे, लेकिन जो करने वाला होगा उसको नुकसान पहुंचेगा। ऐसे ही हमारे एक जर्मन के एक यूट्यूबर हैं मिर्ज़ा शकील जर्मनी, उनका एक चैनल ये है और एक दूसरा उनका चैनल है मिर्ज़ा शकील के नाम से। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि मेरा जो चैनल है, जो बड़ा चैनल है मिर्ज़ा शकील जर्मनी, वो ब्लॉक हो गया है। हत्ता कि वो उसका चैनल ब्लॉक नहीं हुआ था, उसने एक नया चैनल अपना खोला था, उसकी ग्रोथ के लिए उसने उसको बंद कर दिया था कुछ देर के लिए। यूट्यूब में एक सेटिंग होती है कि आप अपने किसी भी चैनल को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन कुछ देर के लिए जब तक आप चाहेंगे, वो लोगों की नजरों में नहीं आएगा लेकिन वो ब्लॉक लोग दिखेगा, लेकिन वो होगा मौजूद, जब मैं चाहूंगा उसको मैं उसको ऑन कर लूंगा। ये यूट्यूब की सेटिंग में एक सिस्टम ऐसा होता है, जैसे कि शकील भाई ने इस तरह किया था। बड़ा ये इनका अपना जाती मसला है, एक नए चैनल या 20 बनाए हमें तो कोई मसला नहीं है। बात यह है कि इन्होंने एक वीडियो बनाई थी जर्मन के ऊपर, जर्मन ने वर्क परमिट खोल दिया है, तो पाकिस्तान में एक पाकिस्तानी है, उन्होंने मुझसे रब्ता कायम किया था, मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि कोई भी अपना किसी किस्म का कोई पैगाम, कोई दुख, कोई खुशी, कोई शेयर करना चाहता है दुनिया के सामने, वो मुझे कर सकता है, मैं उसकी वीडियो अपने यूट्यूब पे चलाऊंगा। तो उन्होंने जब मेरी वीडियो देखी, उन्होंने कहा था कि भाई मेरा फोन नंबर लिखा हुआ है, मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है उसके, मेरे हर चैनल में लिखा होता है, तो मुझसे कोई भी रब्ता कायम कर सकता है। पर उन्होंने मुझसे रब्ता कायम किया, मुझे व्हाट्सएप किया, उन्होंने कहा भाई मैं इस तरह पाकिस्तान से बोल रहा हूँ, तो ये फलां फलां चैनल है मिर्ज़ा शकील जर्मन के नाम से, इन्होंने कहा था कि जर्मन की के वीजे खुल गए हैं, वर्क परमिट खुल गए हैं, जर्मन गवर्नमेंट ने खोल दिए हैं, तो आप अप्लाई करें जाके। तो मैंने जब अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स तैयार किए, मैं अभी आपको उनकी फिल्म भी दिखाता हूँ जो उन्होंने मुझे सेंड किया मेरे व्हाट्सएप पे, तो कहते मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट तैयार किए। जब मैं अम्बेसी गया, उन्हें कहा था भी हमने तो कोई वीजे नहीं खोले, जब उसने कहा था कि मैंने यूट्यूब पे एक फिल्म देखी है, इश्तिहार देखी है, बिल्कुल नहीं है वो, तो आप लोगों ने वीडियो जर्मन के परमानेंट वीजे खोले हुए हैं। उन्होंने कहा था हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना हमने जहाँ ऐलान किया है, ना यहाँ कहीं भी दुनिया में किसी भी कोने में ऐलान किया, और ना ही हमने जर्मन में ऐलान किया कि हमने वीजे खोले हुए हैं। यूट्यूब चैनल मैंने कहा था ये देखें ये है, उनके बाद उन्होंने फिल्म दिखाई, अब ऐसे वालों ने कहा ये सब झूठ है, कोई नहीं है, हमने कोई किया, ये सारी फेक है। कहते मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई वहां पर जब मैंने उनसे बात की, अपनी फाइल ले क्या हुआ था, बड़ा बंद थम के क्या हुआ था, मुझे बड़ा दुख हुआ था, मेरे इतने पैसे लगे, इतना टाइम मेरा जाया हुआ। तो बारह मैंने कहा था कि आप ऐसे करेंगे, आप अपनी वीडियोस में आके मुझे सेंड कर दें तो मैं वो नशर कर देता हूँ, लोग देख लेंगे। तो उनकी वीडियो मेरे पास है, मैं भी आपको दिखाता हूँ, आप देख लीजिए कि वो क्या कह रहे हैं,
और जो मिर्जा शकील साहब है, मिर्जा शकील साहब अगर आप थोड़ी सी व्यू लेकर लेने खातिर आप गलत किस्म की इंफॉर्मेशन देते हैं लोगों को, लोगों को आप टॉर्चर करते हैं, उनका पैसा जाया करते हैं, टाइम जाया करते हैं, उनको आप ट्रेनिंग देते हैं। खुदा के लिए आप यूट्यूब पे काम करें, अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन दें, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन प्लीज झूठ मत बोले। आपकी वजह से इस दोस्त में क्या गुजरी है आपको सुन लीजिएगा। नाज़रीन, अभी मैं आपको सुनाता हूँ मदर साहब की बातें जो उन्होंने मुझे भेजी है व्हाट्सएप के जरिए, और वो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, देखें जरा प्लीज। हाँ, मैं गया था, मेरा नाम है मजर। तो ऐसा है कि ये कोई मिर्ज़ा शकील के नाम पे यूट्यूब उसने बनाया हुआ है, तो मैंने इसका चैनल देखा तो ये कह रहा था, उसमें इसने कहा था कि जर्मन के वर्क परमिट के वीज़े खुले हुए हैं, आप अप्लाई करें तो आपको मिल जाएगा और आराम से जर्मनी आके आप अपनी ज़िंदगी अच्छी कर सकते हैं। तो भाई मैंने फिर ऐसा किया कि मैंने इसका एक दो दफ़ा यूट्यूब देखा, मुझे अच्छा लगा, इसने एक इंफॉर्मेशन दी, लिहाजा मैंने अपने जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स थे जो जो उसने कहा था वो मैंने सब बना के अपना पासपोर्ट भी बनाया, पैसे भी खर्च किए, हमें डॉक्यूमेंट में पैसे तो लगते हैं, उसके बाद फिर मैं वहाँ जाने के भी मेरे अखराजात हुए। तो जब मैं वहाँ जाके पहुँचा तो इस बारे में कुछ हकीकत थी नहीं, तो लिहाजा मेरे सब नाज़रीन से ये दरख्वास्त है, ये जो मिर्ज़ा शकील है ये गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है यूट्यूब के ऊपर सिर्फ अपने पैसे बनाने के लिए, तो मेहरबानी करके ऐसी ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, और ऐसी ऐसे लोग जो इस तरह की इन्फॉर्मेशन देने की वहाँ का वीज़ा फ्री है या यहाँ का चले जाए वहाँ चले जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है पाकिस्तानी के लिए, मैं आपको साफ बताऊँ, तो लिहाजा इस चीज़ से आप दूर रहें। अच्छा, दूसरी बात ये कह रहा था कि ये इसने और भी मुल्कों के वीज़े किए हैं कि अमेरिका चले जाओ, तो फ्रांस चले जाओ, तो इंग्लैंड चले जाओ, कनाडा जाओ, ये सब बकवास है, 100% बकवास है, इस पर कोई हकीकत नहीं है। लिहाजा सबसे मेरी दरख्वास्त है कि इस पर अपने पैसे और वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये मैं आपको बताना चाह रहा था। ओके जी नाज़रीन, तो सुनिए आपने मदर साहब की बातें, ये थी मदर साहब जिनकी बातें आपने सुनी है, और शकील साहब खुदा के लिए आप यूट्यूब पर काम करें, कोई ऐसा आप थेमा लें, कोई ऐसी खबर दें जो लोगों के लिए फायदे का बाइस हो, ना कि जिस तरह के मजर साहब ने कहा है मुझे नुकसान हुआ है हर लिहाज से, मुझे जेनी भी कफ्त हुई है, तो इस तरह की खबर आप ना दें। आप क्यों झूठ बोल रहे हैं, क्यों अपने व्यू लेने के लिए, क्यों आप झूठ पे झूठ झूठ पे झूठ झूठ पे आप बोल रहे हैं, थम में लगाए हैं जी, आपने जॉब का वीजा लो जी, फ्री वीजा लो जी, कुछ नहीं करना पड़ेगा, एम्बेसी में जाओ, ये डॉक्यूमेंट लो, आपको वीजा मिल जाएगा जी, आप क्यों झूठ बोल रहे हैं, इस तरह कभी होता क्या भाई? वो ये यूरोप है, कुछ छांगा वांगा नहीं, यहाँ आप जिसकी एंट्री दे रहे हैं किसी को, जापान भेज रहे हैं दुनिया को, अमेरिका कनाडा तक भेज रहे हैं दुनिया को, माल्टा भेज रहे हैं दुनिया को, यूरोप आपने कोई मुल्क नहीं छोड़ा, क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? आपका चैनल 100% झूठ पे मबनी है, आप एक झूठे इंसान है, सॉरी मैं सच बोल रहा हूं आपको। मेरे प्यारे नाज़रीन, अब मैं दिखाता हूं मिर्ज़ा शकील जर्मनी का चैनल, दो चैनल उनके हैं मेरे पास, ये मैं दिखाता हूं कि उन्होंने कौन कौन से थंबनेल्स गए हुए हैं जिनको देखकर लोग अपने पैसे जाया करते हैं और खुशी में आ जाते हैं जी, यूरोप के वीजे खुल गए हैं, फलाने के वीजे खुल गए हैं, अमेरिका के वीजे खुल गए हैं, जापान तक के वीजे शकील साहब ने घर बैठे खोल दिए हैं, और सबको वो वीजे ठप्पी लगा के दे रहे हैं कि आ जाओ और ले लो, और जाओ जापान जाओ, अमेरिका जाओ, कनाडा जाओ, दुनिया घर कोने जाओ, पोलैंड जाओ, ऐसे ना बहुत सारी ऐसी बेफजूल उन्होंने इंफॉर्मेशन लोगों को दी है जिसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। सुनने में तो ठीक है लेकिन हकीकत साथ इन न्यूज का कोई ताल्लुक नहीं है, सब फेक इनकी चीजें हैं। मिर्जा साहब की, ये मिर्जा शकील अहमद साहब है, इनकी बिल्कुल फेक है, बिल्कुल 100% झूठ है। मुझे एक दो मेले और भी आई हैं, बरहाल आज मैं सिर्फ इसी पे बात करूंगा। ये चैनल का नाम उसने दिया था, ये है मिर्जा शकील जर्मनी, इसका मैंने खुद ही विजिट किया साहब चीजों का, ये देखिए इसकी जो थंबनेल है ये कितने जबरदस्त लगाए हुए हैं इन्होंने, ठीक है जी। 1 लाख में यूरोप का वीजा कंफर्म, और कहते हैं कि 1 लाख में यूरोप का वीजा कंफर्म, एजेंटों के धोखे में ना आए, ठीक है। अब ये धोखे में ना आए और ये 1 लाख का वीजा कंफर्म कर रहा है, ठीक, जर्मनी का, ठीक है। और ये देखिए इसे बहुत बेशुमार ये थंबनेल्स रहे हैं जिसका हकीकत के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। ये देखें जापान का वीजा मुझसे ले, ये लिखा ये है इसका, कहते हैं कि जापान का वीजा मुझसे ले, यानी कि जापान के जो एम्बेसी है ये इसके अंडर है और ये जो चाहे कर सकता है, जापान की भी वीजा इनसे ले लें, जाके इसे मिले और वीजा ले। इतनी बड़ी बोंगियां, इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा फ्रॉड है ये चैनल,
कि लोगों को सिर्फ परेशान करता है, लोगों का टाइम और पैसा जाया करता है, उनको टेंशन देता है। मुझे तीन अभी तक लोगों के मुझे मैसेज आए हैं, वो मैं बकरे बकरे के साथ आपके साथ शेयर भी करूंगा। अच्छा, अब मैं आपको वो चीज दिखाता हूँ जिससे वो लड़का जो मदर साहब है जिसने मुझे मेल की थी कि उन्होंने कौन सी वीडियो देखकर गए थे जर्मन एम्बेसी में पूरे डॉक्यूमेंट लेके। अभी चलता है, अभी आपको दिखाता हूँ। लो मेरे नाजरीन, ये है वो थंबनेल उसका जिसको देखकर मदर साहब गए थे जर्मन का वीजा लेने के लिए एम्बेसी में, जहाँ उसकी वो कह रहे हैं बकौल उनके कि मेरी बहुत ज्यादा बिजती हुई है, मैंने शर्म महसूस की है, मेरा पैसा टाइम काफी जाया किया है सिर्फ इस थंबनेल की वजह से। ये शकील भाई ने जो थंबनेल दिया है, लिखा हुआ है जी जर्मनी वर्क वीजा, जो आपको नजर आ रहा होगा उर्दू में लिखा हुआ है, ये ऊपर लिखा हुआ है जर्मनी वर्क वीजा। ठीक है, 100% इसने लोगों को परेशान किया है जैसे कि मैंने आपको पहले कहा है। अब वो मैं आपको मेले दिखाता हूं जो उन्होंने मेले भेजी इनको। मैंने इनको एक मेल भेजी थी, इनको मैंने एक मेल भेजी थी, लेकिन उन्होंने मेरी मेल पढ़ी है, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी उस मेल में लिखा हुआ था, इसने वो मेल देखी है, देखिए इसने फौरी तौर पे जो मेरी मेल है उसको इसने डिलीट कर दिया है। अब इसी में उन्होंने भेजी थी इसकी मेल, ये देखिए तरक्की तो भाई बहुत हो रही है, लेकिन तुम्हारे चैनल की तरक्की तो इस तरह ना होगी जिस तरह तुम झूठ बोल रहे हो। यहाँ पे उसने मुझे कहा था कि मैंने वहीं पे मेल कर दी है, यहां मैं अभी आपको दिखाता हूं। हाँ ये है, ये देख ली, ये उन्होंने मेल ये मेल उन्होंने लिखी थी उसको ना, ये देखिए ये मेल है उर्दू की, आप पढ़ भी सकते हैं। कहते हैं मैं आपको पढ़कर सुना भी देता हूँ। शकील भाई की खबरें ना दे, मैं आपकी वीडियो देखकर जर्मन एम्बेसी गया था, आपने कहा था कि जर्मन के काम के लिए वीजे खुल गए हैं, वर्क पे वीजे खुल गए, ये आपने कहा था। फिर उसने दूसरी भी उन्होंने एक और मेल की थी, ये काफी लंबी थी उनकी थी, मेरा टाइम और पैसा बर्बाद हुआ और शर्मिंदगी मुझे अलग हुई, घर वालों से भी और एम्बेसी वालों से भी। दूसरी भी उन्होंने एक और मेल की थी, ये काफी लंबी थी उनकी थी, मेरा टाइम और पैसा बर्बाद हुआ और शर्मिंदगी मुझे अलग हुई, कल वालों से भी और अम्बेसी वालों से भी। अम्बेसी वालों ने मुझे जवाब दिया था कि किसने आपको कहा था, तो उन्होंने कहा था हमने तो एक ऐलान भी नहीं किया कि कहाँ खुले हैं, कहाँ नहीं, यहाँ भी ऐलान किया, कहीं भी नहीं ऐलान किया। उन्होंने कहा था मैंने यूट्यूब चैनल देखा है, वहां पर देखा है। उन्होंने कहा यह सब बकवास है, सब झूठ है, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये सब झूठी खबरें हैं। ये देखिए ये उन्होंने लिखा हुआ है, ये मजे साहब लिखा, ये मजे साहब का एक चैनल है, ठीक है, ये उन्होंने लिखा मजे ही मजे, बारह उनका चैनल का नाम है। तो उन्होंने ये उनको दो मेलें की हुई हैं, ये देख लें आपके सामने, एक मेल ये है, ठीक है, और एक मेल ये है, आप देख सकते हैं ये अभी मौजूद है, अगर ये काट ना दे तो, ठीक है, हो सकता है कि ये इसको डिलीट भी कर, जैसे मेरी की थी। ये है इसका थंबनेल, जर्मन वर्क वीजा, हाउ टू अप्लाई जर्मन वर्क वीजा, इस नाम पे, इस पे अभी भी इसकी जो मेल उन्होंने की है इनको, तो और फिर इसने उसको जवाब भी नहीं दिया, उसको कम कर जवाब दे दो भाई, लेकिन जवाब इसने नहीं दिया। ये है एक एक नंबर का झूठा। और मिलेंगे कि दूसरी वीडियो में, उस वक्त का लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। आप अपने फैमिली का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आप सबको हदायत अली उसे तंदुरुस्त वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए, और अल्लाह ताला आपको ऐसी फिराड़ियों से जो इस फ्राड बोलते हैं उनसे बचाए। अल्लाह हाफिज़।